नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम शुरू करने वाले हैं पाठ संख्या 7। और पाठ संख्या 7 है कारक। निम्न को देखो। सिपाही ने चोर को पकड़ा। रोहन की पुस्तक मेज पर रखी है। तो ऊपर प्रथम वाक्य में ने को, सिपाही और चोर का संबंध पकड़ने से, तथा दूसरे वाक्य में की पर पुस्तक और मेज का संबंध रखी है से दिखा रहे हैं। जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पकड़ने से संबंध है सिपाही और चोर का। और रोहन की पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ रखी है से संबंध दिखा रहे हैं की और पर, रोहन की पुस्तक और मेज का। इन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा जिस शब्द रूप का संबंध क्रिया से दिखाया जाता है वह कारक कहलाता है। परिभाषा से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से भी उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आगे चलते हैं। अब कारक के भेद हैं। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो वाक्य में जो भी काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। शब्द का जो रूप क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, जिस रूप से हमें ये पता चले कि या इस काम को कौन कर रहा है, क्रिया के करने वाले का, तो वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? ने। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता ने। इस वाक्य में पढ़ी शब्द क्रिया है और इसे करने वाला कर्ता रमेश है, अतः रमेश कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक का प्रयोग विभक्ति चिन्ह के बिना भी होता है, जैसे रवि खेलता है। तो क्रिया है खेलता है, और रवि कौन खेलता है? रवि खेलता है। रवि कर्ता कारक है। लड़के पढ़ते हैं। अब दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस प्राणी या वस्तु पर पड़ता है, किसी काम को करने से उस काम का फल किसी प्राणी या वस्तु पर तो पड़ता ही है, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया। अब मालिक ने बुलाया किसे? नौकर को। तो मालिक द्वारा की गई क्रिया का फल किस पे पड़ा? नौकर पे पड़ा, उसे आना हुआ। तो मालिक ने नौकर को बुलाया। इस वाक्य में बुलाया क्रिया का प्रभाव नौकर पर पड़ रहा है, अतः नौकर कर्म कारक है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को। तो विशेष यहाँ पर देखेंगे, निर्जीव पदार्थों के साथ को परसर्ग नहीं लगता है। कभी कभी सजीव के साथ भी को परसर्ग नहीं लगता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। अब बालक ने क्रिया करी पढ़ने की, लेकिन उस पे कौन हुआ कर्म? पुस्तक पढ़ता है। हमने चिड़ियाघर में बंदर देखे। अब है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन की सहायता से कर्ता कोई कार्य करता है। कोई ना कोई साधन की सहायता से ही कर्ता कार्य करता है, तो वो जो साधन है वह साधन करण कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह के, द्वारा और से हैं। जैसे विमल पेन से लिखता है, तो विमल ने लिखने की क्रिया किससे करी? पेन से की। पेन उसका साधन हुआ। सबको तार के द्वारा सूचित करो। सबको सूचित करने की क्रिया किस साधन से हो रही है? तार के द्वारा।
तो विभक्ति चिन्ह हुए से के द्वारा। इन वाक्यों में पेन और तार साधन का बोध करा रहे हैं, अतः यहाँ करण कारक है। फिर है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को, के लिए, के हेतु हैं। जैसे सीमा ने मधु को पेन दिया, तो किसके लिए? कर्ता ने किसके लिए कार्य किया? सीमा ने मधु के लिए कार्य किया, मधु को पेन दिया। यह दवा रोगी के हेतु है, तो यह जो दवा है वो किसके लिए है? रोगी के हेतु है। तो उपयुक्त वाक्यों में मधु व रोगी के लिए कार्य किया जा रहा है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो फल किससे अलग हुआ? पेड़ से अलग हुआ। बालक छत से गिर पड़ा, बालक किससे अलग हुआ? छत से अलग हुआ, छत से गिरा। तो यहाँ पेड़ व छत से अलग होने की क्रिया की जा रही है, अतः यहाँ अपादान कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ और छत, क्योंकि उनसे अलग हुए हैं फल और बालक, तो वो है अपादान कारक। अब है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी व्यक्ति या वस्तु से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जब हम संबंध दिखाते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह का, के, को है, जैसे वह राहुल का खिलौना है, तो खिलौने का संबंध किससे हो गया? राहुल से। यह पायल की फ्रॉक है, तो फ्रॉक किसकी थी? पायल की। तो फ्रॉक का संबंध हुआ पायल से। तो यहाँ राहुल का खिलौने से तथा पायल का फ्रॉक से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः ये संबंध कारक है। इसी प्रकार मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरी गेंद। अधिकरण कारक देखेंगे हम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है कि वो जो वस्तु है वो किस स्थान पर है या उसका आधार क्या है। जैसे कि पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ पर पुस्तक के स्थान का पता चल रहा है, मेज पर है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो अलमारी में कपड़े रखे हैं, अलमारी में कपड़ों के स्थान का पता चल रहा है। तो इन वाक्यों में मेज पुस्तक की तथा अलमारी कपड़ों की आधार है, अतः ये अधिकरण कारक है। अब है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि हैं। जैसे हे मालिक दया करो, हम किसे पुकार रहे हैं? मालिक को। अरे यह क्या हो गया, हम ऐसे भी बात करते हैं संबोधन करने के लिए। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो अब यहाँ पर आपको कारक तालिका दी हुई है इनके विभक्ति चिन्हों के साथ जो आपको याद करने हैं। जैसे कि कर्ता ने या कोई चिन्ह नहीं, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, यहाँ से अलग होने से है, संबंध का, की, के, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। आपने देखा कि करण और अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, यहाँ है ना। देखिए करण का भी से है और अपादान का भी से है।
अब इसमें अंतर बताना है, परंतु करण कारक में इसका प्रयोग द्वारा साधन के अर्थ में होता है, मतलब पेन से लिखता है, तो पेन हुआ साधन, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ फल पेड़ से गिरा। जैसे करण कारक में देखेंगे आप, करण में रमा ने चाकू से सेब काटा, तो रमा ने चाकू को साधन की तरह प्रयोग किया, चाकू से सेब काटा। और अपादान में देखेंगे वह दिल्ली से आएगा, तो वह कहाँ से अलग हो रहा है, दिल्ली से अलग हो रहा है। नदीम ने पेन से लिखा, पेन का प्रयोग नदीम ने साधन की तरह किया। लावा ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए, क्या पढ़ा क्या सीखा, तो बच्चों कारक से आप क्या समझते हैं, सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा या सर्वनाम के जो कारक से आप क्या समझते हैं, सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूपों का उनकी क्रिया से संबंध बताते हैं वे कारक होते हैं, ठीक है। और बच्चों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। कारक के सभी प्रकारों के नाम लिखो जो हमने अभी पढ़े हैं, उनके विभक्ति चिन्ह उदाहरण सहित बताओ। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ये आप जानते हैं, करण कारक का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है और अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के लिए। निम्नलिखित विभक्तियों से संबंधित कारकों के नाम लिखो। निम्नलिखित विभक्तियों से संबंधित कारकों के नाम लिखो। तो ने विभक्ति चिन्ह है कर्ता का, को कर्म, द्वारा करण, से अपादान, के लिए संप्रदान, में अधिकरण। और अब यहाँ जो ये विभक्ति चिन्ह है इनके कारक आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्य किस कारक के उदाहरण हैं लिखो। मैं बस से दिल्ली गया था, तो दिल्ली गया था किसी साधन से, बस से, तो करण कारक। लता ने गीत गाया, तो यहाँ पर क्रिया हुई गाने की, और वो किसने की, लता ने, कर्ता कारक। पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर का आधार कौन है, पेड़, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो ये हुआ अधिकरण कारक। अब ये जो दो हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, शिकारी ने भालू को पकड़ा, आप यहाँ पर इसका उत्तर स्वयं देंगे। तो बच्चों अब आप इस पाठ का अच्छे से पाठन करेंगे, और यदि आप इसके विभक्ति चिन्ह अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ये जानने में कि ये कौन से कारक हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।